बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी पांचवी सर्वाइवल वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको 9mm का पिस्टल आपके लिए बेहतर है या 0.30 का। हमने ये डिसाइड किया था कि होम डिफेंस के लिए एक 9mm का पिस्टल ज़्यादा बेहतर वेपन है, क्योंकि उसकी फायरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें सेफ्टी फीचर्स उसके बेहतर हैं और उसका एमिनेशन भी अच्छी तरह अवेलेबल है। आपको ये भी याद होगा कि हमने ये बात आपसे कही थी कि हथियार का लाइसेंस ले लेना, हथियार ख़रीद के घर ले आना बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आप एक कीमती गाड़ी ख़रीद के घर ले आएं और आपको गाड़ी चलाना ना आता हो। गाड़ी चलाना सीखने के लिए आपको प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है, एक इंस्ट्रक्टर आपको देखता है, लाइसेंस इशू करता है, आपको इजाज़त देता है, फिर आप इस काबिल होते हैं कि सड़क पर गाड़ी निकालें ताकि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और शहरियों के लिए खतरे का बायस न बने। बिल्कुल इसी तरह हथियार का मामला भी, आप रोज़ खबरों में सुनते हैं कि हथियारों से एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आप साथ ये भी सुनते हैं कि सैकड़ों लोग पूरे मुल्क में गाड़ी के हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। ट्रैफिक के हादसात में हज़ारों लोग हर साल अपनी जानें देते हैं। इस बात के बावजूद कि ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, आपको पुलिस एक इजाज़त देती है, उसके बाद आप सड़क पर गाड़ी निकालते हैं, फिर भी आप सुनते हैं कि हर साल मुल्क में हज़ारों अफराद ट्रैफिक के हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जैसे कहा कि यही मामला हथियारों का है, हथियारों से भी एक्सीडेंट्स इसी तरह होते हैं, बड़े बड़े ट्रेंड और प्रोफेशनल लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक लाइसेंस लेते हैं, आप एक हथियार ख़रीदते हैं, 9mm का एक पिस्टल आपने ले लिया है होम डिफेंस के लिए, अब आपके लिए लाजिम है कि आप एक फायरिंग रेंज पर जाएँ, एक आर्मी ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर या प्रॉपर वेपन्स इंस्ट्रक्टर के साथ जाके उसकी ट्रेनिंग लें, कई 100 राउंड फायर करें, वेपन हैंडलिंग सीखें। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि ट्रिगर दबा दिया जाए, आपको पूरा हथियार का सेफ्टी प्रोसीजर सीखना है, गन हैंडलिंग सीखनी है, जिसमें एमुनिशन लोड करने से लेकर वेपन को इस्तेमाल करने तक, उसके बाद उसमें अगर मेल फंक्शन होता है, कोई डिफेक्ट होता है, गोली फंस जाती है तो उस गोली को निकालना किस तरह है, फिर उसकी सफाई किस तरह करनी है, फिर रेंज पे आपने टारगेट को हिट कैसे करना है, ये सारे प्रोसीजर्स आपको सिर्फ रेंज पे सिखाए जा सकते हैं। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम है, लेकिन इसकी थ्योरी पहले सिखाई जाती है, बताई जा सकती है। तो नेचुरली अब जब हमने गन डिसाइड कर ली है तो इसका अगला स्टेप यही होना चाहिए कि हम रेंज पर जाएं। रेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत से लोग हमसे ये पूछ रहे हैं बार बार अब कि हमें ये बताइए कि हम कहाँ जा कर प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में कमर्शियल फायरिंग रेंजेस मौजूद हैं। कराची में कई फायरिंग रेंजेस हैं जिनके आप मेंबरशिप ले सकते हैं, कारसाज के ऊपर है, कंट्री क्लब में है, कई जगहों पर हैं। इसी तरह लाहौर में भी डिफेंस में आर्मी की राइफ़ल रेंज खुली है जिसमें आम पब्लिक मेंबरशिप ले सकती है। रावलपिंडी के अंदर भी चंद एक दो फायरिंग क्लब्स हैं, इस्लामाबाद में भी है। लेकिन अगर कोई फायरिंग क्लब आपको प्रॉपर नहीं मिलता, लेकिन आपका कोई जानने वाला आर्मी में या पुलिस में या रेंजेस में है, तो उनकी अपनी फायरिंग रेंजेस भी हैं, हर यूनिट की फायरिंग रेंज होती है, आप किसी के पास जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपने उनका एमुनेशन और गन तो नहीं इस्तेमाल करनी, गन एमुनेशन आपका अपना है। आमतौर पर लोग चले जाते हैं दूसरे के पास विजिट करने के लिए, और फिर भी कोई फायरिंग रेंज आपको ना मिले तो अपने किसी इंस्ट्रक्टर को, किसी सीनियर दोस्त को साथ लें, शहर से बाहर पहाड़ों में चले जाएँ, जंगलों में चले जाएँ, डेजर्ट में चले जाएँ। कानूनन पाकिस्तान में कोई इल्लीगल, गैर कानूनी बात यह नहीं है कि आप लाइसेंस हथियार लेके जंगल में जाएँ और कुछ टारगेट लगा के कुछ टारगेट प्रैक्टिस कर लें। सो यू कैन डू दैट, ये बहाना ना बनाएं कि रेंज नहीं है लिहाजा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो प्लीज़ दर्रे का एमुनेशन ना इस्तेमाल करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऐसे ही है, हम देखते हैं कि लोग लाख रुपए का पिस्टल ख़रीद लेते हैं लेकिन एमुनेशन ख़रीदने की जहाँ बारी आती है कि 40 रुपए का इम्पोर्टेड एमुनेशन या POFR का एमुनेशन लेने के बजाय 15-20 रुपए का दर्रे का एमुनेशन ख़रीदते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप मर्सिडीज़ ख़रीदें और उसको मिट्टी के तेल से चलाने की कोशिश करें, आप अपनी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर लेंगे, और ये काम आप अपने हथियार का बेड़ा गर्क कर लेंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अपने लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन लोग आराम से ख़रीद लेते हैं, लेकिन 20-25 हज़ार रुपए का एमुनेशन लेकर प्रैक्टिस करने के लिए फायर नहीं करना चाहते, वो एमुनेशन जो आपकी जान माल इज़्ज़त और आबरू को बचाता है। मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर थे, हमेशा से हमें एडवाइस करते रहे चीज़ों के मामले में, उनकी ये तरबियत है कि हथियारों का शौक़ मुझे अपने वालिद से ही मिला है। तो वो ख़ास तौर पर मुझे इस बात की नसीहत करते थे कि बेटा कभी जब जान का ख़तरा हो तो कभी तुम दर्रे की दवाई इस्तेमाल नहीं करोगे,
तो जब हम दर्रे की दवाई पे एतबार नहीं करते तो दर्रे के एमुनेशन पर क्यों एतबार करेंगे? वो एक दर्रे की राइफल के लिए, दर्रे के हथियार के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सर्वाइवल का मसला हो, जब आपने जान बचानी हो, जान माल इज्जत आबरू खतरे में हो, उस वक्त आप एक ऐसा एमुनेशन नहीं इस्तेमाल करते कि जो आपको खतरे में डाल दे। जिस तरह आप दर्रे की बनी हुई लाइफ सेविंग दवाई और इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल करते, आप बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी की इंपोर्टेड पाकिस्तान की बनी हुई बेहतरीन दवाइयां इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। अब जब आप फायरिंग रेंज पे जाने लगे तो आपको कौन सा बेसिक सामान है, किट है, एसेसरीज हैं कि जो साथ ले जाने की ज़रूरत है आपको? अब यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। ज़ाहिर है जब आपने हथियार ख़रीदा है, पिस्तौल आपने ख़रीद लिया 9mm का, तो अब उसको कैरी करने के लिए एक होल्स्टर भी चाहिए आपको। तो होल्स्टर भी कई तरह के हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस तरह का होल्स्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये शोल्डर होल्स्टर कहलाता है, जिस तरह हमने इस वक्त आपके सामने पहना हुआ है। इसके अंदर वेपन जो है साइडवेज आप इसमें फिट कर लेते हैं, यहाँ पे साइडवेज वेपन आ जाता है, यहाँ से निकाला जाता है और निकाल के फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ शोल्डर होल्स्टर। इसके ऊपर आप कोट पहन लें, जैकेट पहन लें, वो अंदर छुप जाता है, बाजू के नीचे होता है। दैट्स वन वे ऑफ कैरिंग योर वेपन। तो जब आप हथियार ख़रीदेंगे तो लाजमन उसके साथ आपने होल्स्टर ख़रीदना है। और होल्स्टर मुख्तलिफ तरह के आते हैं, जैसे कहा कि एक ही शोल्डर होल्स्टर है, ये आपको लाजमन चाहिए। दूसरा बेल्ट होल्स्टर, ये साइड में आपके आपके ट्राउज़र के साइड के ऊपर बेल्ट के अंदर लग जाता है, और जब ज़रूरत होती है, आपने अक्सर पुलिस वालों को इसी तरह कैरी करते देखा है, ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से वेपन निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ये एक और होल्स्टर है कि जो बैक होल्स्टर है, ये आपकी कमर के पीछे ट्राउज़र के अंदर चला जाता है, और ट्राउज़र आपके हाथ दोनों खाली होते, ऊपर आपने जैकेट पहन ली, किसी को नज़र नहीं आता, और ये पीछे से निकालने के, या आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी एक होल्स्टर है जो आप ले सकते हैं। ये बैक होल्स्टर भी आम मार्केट में मिलते हैं। सो इट इज़ योर चॉइस कि आपको किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, किस किस्म की ज़रूरत है। एक ट्राउज़र में लगा लें, साइड पे बेल्ट में फिट कर लें, शोल्डर होल्स्टर ले लें। सो यू नीड अ होल्स्टर। आपने एक अच्छा सा होल्स्टर अपने लिए अपने साइज़ के मुताबिक कंफर्टेबल देखिए। सो दैट्स द वन आइटम दैट यू नीड टू बाय विद योर गन। दूसरी चीज़ जो आपने अपने हथियार के साथ ही ख़रीदनी है वो गन क्लीनिंग किट है। आप जब हथियार इस्तेमाल करते हैं, जब भी फायर करेंगे, आपको फिर उसके बाद उसकी सफाई करनी है। और गन क्लीनिंग किट एक स्पेशलाइज्ड किट होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ के ब्रश होते हैं, उसके अंदर ऑयल, गन क्लीनिंग ऑयल होते हैं, उसके अंदर एक जंग निकालने का रेगमाल और इस किस्म के सारे ब्रशेज होते हैं। बहुत सारा काम होता है, और पूरा जिस तरह हम आपको दिखाएंगे कि गन क्लीनिंग किट, ये हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हैं कि जो गन की सफाई में काम आते हैं। ये सब आपको क्लोजली दिखा दिया जाएगा। जब आप मार्केट में जाएंगे किसी भी असलहे की दुकान पर, तो उनके ऊपर जब वो गन्स फरोख्त कर रहे हैं तो साथ वो किट्स बेचते हैं। आप जाके आराम से मुख्तलिफ मॉडल देख सकते हैं। छोटा किट जो गाड़ी में रखा जा सकता है, 1000 रुपये का भी आता है। बहुत एक्सपेंसिव किट जिसमें हर किस्म की साइज़, हर वेपन, हर राइफल आप साफ़ कर सकते हैं, वो 8-10 हज़ार का भी आता है। मगर गन क्लीनिंग किट इज़ अ वेरी एसेंशियल टूल। हथियार के साथ ही आपने ख़रीदना है, क्योंकि कभी भी गन को बग़ैर साफ़ किए अब दोबारा अलमारी में या अपनी ड्रॉर में नहीं रखते। उसमें जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है। गन की इसी तरह हिफाजत करनी पड़ती है जैसे आप अपनी कीमती गाड़ी की हिफाजत करते हैं। उसका तेल पानी चेक करना होता है, उसकी सफाई करनी होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। ना करें तो कुछ अर्से के बाद उसमें खराबी पैदा होती है। इसके अलावा जब आप रेंज पर जाते हैं तो आपको एडिशनल जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो टारगेट्स हैं। मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स मार्केट पे मिलते हैं। ज़ाहिर है जब आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने ये देखना है कि आपका हाथ कितना स्टेबल है, आप किस जगह पे फायर करें। सिर्फ हवाई फायर नहीं करना, जो सर्वाइवल फायरिंग है, अपनी फैमिली और जान का दिफा करने के लिए फायरिंग करनी है, तो वो हवा में, जंगल में फायर नहीं किया जाता, वो टारगेट्स पे किया जाता है, ताकि आपको ये मालूम हो कि आप कितना बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, आपका फायर किधर जा रहा है। ये जो टारगेट हम आपको दिखा रहे हैं, ये खास तरह का टारगेट है कि जब गोली इसमें से गुजरती है तो वो जगह वहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाती है, चमकने लगती है, तो आपको दूर से मालूम हो जाता है कि आपकी गोली किस जगह पे लगी है। आपको हर दफ़ा करीब नहीं जाना पड़ता। और ये वाला जो टारगेट है, ये सिंपल पेपर टारगेट्स हैं। गोली इसमें से गुजर जाती है, तकरीबन 70-80 यार्ड से, 50 यार्ड से आपको नज़र नहीं आता कि गोली कहाँ लगी है। फिर नॉर्मली इसके लिए फिर दूर से दूरबीन से देखते हैं, और ये एक स्पॉटिंग स्कोप है, ये एक दूरबीन कहलाती है, इसे स्पॉटिंग स्कोप। इसको आप दूर से, आपको टारगेट पे आप फोकस करके ये देखते हैं कि आपके राउंड कहाँ हिट कर रहे हैं। ये हर एक की ज़रूरत नहीं है, छोटी दूरबीन भी आपके पास हो तो काम कर जाती है। वरना ये कि आप चंद राउंड फायर करें, फिर करीब जाके देखें आपने कहाँ हिट किया, फिर वापस आएँ, फिर एडजस्ट करें। अगर हर राउंड के बाद आपने हर शॉट को देखना है कहाँ जा रहा है, तो देन यू नीड अ स्पॉटिंग स्कोप। ये हर गन क्लब में तो अवेलेबल होती है, इतना कोई महंगा आइटम नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये की ये मिलती है।
तो आप इनफैक्ट जो शौकीन लोग हैं जो रेगुलर फायर पर जाते हैं उनको फिर अपना ये इक्विपमेंट खुद खरीद लेना चाहिए। तो जैसे अर्ज़ किया कि पहले आपको अपना इक्विपमेंट जमा करना है, अब आप रेंज पर जाएंगे, लेकिन रेंज पर जाने से पहले आपको अपनी गन हैंडलिंग की बेसिक्स मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बेसिक्स क्या हैं गन हैंडलिंग की? सबसे पहला काम आप ये करते हैं रेंज पे जाकर कि आप अपने मैगजीन को लोड करते हैं। मैगजीन को लोड करना भी एक आर्ट है, एक फन है। हर एक के बस, हर कोई इतनी आसानी से मैगजीन लोड नहीं कर पाता। लोग घबराहट में, परेशानी में फंबल कर जाते हैं, कारतूस गिर जाता है उनके हाथ से, लोड नहीं होता, प्रेशर नहीं पड़ता। तो सिर्फ घर बैठ के खाली कमरे में जब कोई आपके आसपास ना हो तो 100 दफ़ा मैगजीन लोड करें, राउंड निकालें, फिर उसको डालें और लोड करते चले जाएं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके भी कारतूस लोड करते चले जाएं। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यू नीड टू सी कि आप किस तरीके से मैगजीन को जो लोड कर रहे हैं, ये इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि चंद सेकंड में आप मैगजीन रीलोड कर लें। हाथ जख्मी हो जाएं बेशक आपके, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, आप एक दिन में नहीं सीख लेंगे। एक अगर आप उसको फिर प्रैक्टिस कर करके, शुरू में अंगूठों में ताकत नहीं होती, अंगूठे थक जाते हैं, बिकॉज जिस तरह गोलियां भरती जाती हैं, इसको दबा कर नया राउंड मैगजीन डालना इसमें मुश्किल होता जाता है। इसकी पूरी टेक्निक है मैगजीन लोड करना। सो यू नीड टू लर्न। जैसे कहा कि ट्रिगर दबाना सबसे आसान काम है, जो मुश्किल काम है गन हैंडलिंग के वो ये हैं जो बोरियत के काम है। मैगजीन लोड करना पड़ता है, गन को साफ करना पड़ता है, उसकी हैंडलिंग, और फिर आपको जो पूरा प्रोसीजर है उसका, कि आपने जब पिस्टल लिया, मैगजीन लोड किया आपने उसके अंदर, जब मैगजीन लोड कर लिया तो अब आपने क्या करना है, फायर करने से पहले इसको कॉक करना है और फिर एम करना है, सेफ्टी हटानी है और फायर करना है। वो जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसके दौरान एक तूफान आ गया, तो हमने थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक दी। तो जो बात हम आपके साथ कर रहे थे वो ये कि जो पहला काम है वो ये कि आप मैगजीन लोड करना अच्छी तरह सीख लें। जब आप मैगजीन लोड करना सीख लेते हैं तो उसके बाद आपने गन हैंडलिंग सीखनी है, कि आपने इसको मैगजीन को लोड करके फायर कैसे करना है। अब इस काम के लिए जो प्रोसीजर है कि आपने गन निकाली, उसको आपने कॉक किया, सेफ्टी हटाई, एम लिया और यहाँ पे आप रोक दें। और ये वो तरीका है कि जिसकी आपने 100 दफ़ा बंद कमरे में अकेले बैठकर प्रैक्टिस करनी है। आपने मैगजीन लोड नहीं करना, आपने गोली लोड नहीं करनी। मैं वार्निंग दोबारा आपको दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस आपने मैगजीन निकाल कर करनी है। मैगजीन अलग होगा आपका, गन खाली होगी, और खाली गन में आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप गन निकालेंगे, आप इसको कॉक करेंगे, सेफ्टी हटाएंगे और आप एम करेंगे कि आपने फायर कैसे करना है। ये ट्रेनिंग आप अकेले कमरे में जब 100 दफ़ा कर लेंगे, उसके बाद मैगजीन इसमें लोड करने का काम रेंज पे जाके किया जाएगा, एक इंस्ट्रक्टर की निगरानी में किया जाएगा। उस वक्त आप मैगजीन लोड करेंगे, मैगजीन आपके होल्स्टर में होगा, जब आप रेंज पे पहुंच जाएंगे, सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स आप ले चुके होंगे, उस वक्त आप ये पिस्टल निकालेंगे, कॉक करेंगे, एम करेंगे, सेफ्टी हटाएंगे और अपने टारगेट पर पहला फायर करेंगे। और वो आपको आपका इंस्ट्रक्टर बताएगा कि आपने सेफ्टी प्रोसीजर्स ठीक लिए हैं या नहीं लिए। जिस तरह कोई शख्स खुद गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ के ड्राइविंग नहीं सीख सकता, इसी तरह कोई शख्स अकेला वेपन हैंडलिंग नहीं सीख सकता। यू नीड एन इंस्ट्रक्टर। तो अपने किसी आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के दोस्त के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जो लाइसेंस याफ्ता है, जो ट्रेंड है, उसके साथ रेंज पे जाके या जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके ये प्रैक्टिस आपको करनी है। एक बात और कि जब आप रेंज पे जाएं तो खुद भी फायर करें और अपने घर वालों को भी फायर करवाएं, अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को। ये ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन भी एक प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोसीजर के साथ हथियार इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जिस तरह एक खातून को अगर अच्छी ड्राइविंग आती है तो ये एक बहुत यूज़फुल बात है, लेकिन जान, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए मुसलमान खवातीन को, अल्लाह ना करे को वक्त आए, लेकिन वक्त आ जाता है कि उनको भी हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अपने साथ अपनी खवातीन को भी प्रॉपरली सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स के साथ हथियारों का इस्तेमाल ज़रूर सिखाएंगे। अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे कि एक मरतबा हम अपनी फैमिली के साथ रेंज पे गए और प्रॉपर रेंज पे क्या माहौल होता है, किस तरह टारगेट लगाए जाते हैं, कैसे फायर किया जाता है। अब वो पिक्चर्स आप देखेंगे और उसके बाद हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब एक शख्स प्रोफेशनल हो जाता है
तो फिर उसकी पिस्टल के साथ एक्यूरेसी कितनी होती है? पिस्तौल के साथ एक पिस्टल जिसमें 15 मैगजीन है, 15 राउंड हैं, और आप दूसरा मैगजीन चेंज करके 30 राउंड हैं, दिस कैन बी सो लीथल इन द हैंड ऑफ अ ट्रेंड पर्सन। एक आदमी जो तरबियत याफ्ता है वो अकेला 30-40 अफराद को रोकने के लिए काफ़ी होता है, अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई भी हो। तो हम आपको ट्रेनिंग की एक वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस लेवल ऑफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। उस लेवल पर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक डिफेंडर का काम कर सकते हैं। अगर आपकी उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आप इमरजेंसी में, अगर गन फंस गई आपकी, अगर गन आपकी अक्सर होता है फायरिंग के दौरान गन फंस जाती है। अब लोगों को ये इस वक्त पैनिक कर जाते हैं, ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो कारतूस फंस गया इसके अंदर उसको निकालना कैसे। जब आप एक खाली गन को दोबारा रीलोड करके फायर करने या फंसी हुई गन को ठीक करके फायर करने के काबिल हो जाएंगे, दैट इज़ द लेवल कि जब आपकी ट्रेनिंग एक बेसिक लेवल पर मुकम्मल हो, उससे पहले नहीं। पांचवी वीडियो मुकम्मल हो गई है। इसमें आपने ये देखा है कि किस तरीके से रेंज पर जाने से पहले आपने बेसिक ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल करनी है, रेंज पर जाने से पहले कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, और रेंज पर किस तरह जाके इक्विपमेंट को लगाया जाता है, और फिर किस लेवल की ट्रेनिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो ध्यान में रखिएगा, जो वीडियो आपने अभी देखी है उस लेवल तक पहुँचने के लिए इन लोगों ने कई हज़ार राउंड फायर किए, और तब जाके वो इतने हुशियार इतने उस्ताद होते हैं कि वो एक राउंड भी मिस नहीं करते। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आपको दूसरे वेपन्स के और सेफ्टी प्रोसीजर सिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह की ईमान और आपकी ईमान।